दोस्तों, अगर आप हीरो फिनकॉर्प से लोन लिए हो तो लिटरली बता रहा हूँ गाइस, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है आजकल ऑनलाइन बहुत ही फ्रॉड होते हैं। इवन किसी किसी के साथ में ये ऐसा होता है, यार मेरे पास एक एजेंट आता है, पैसे ले लेंगे, अभी जमा ही नहीं हुआ, या फिर मुझे कस्टमर केयर में बात करना है, कस्टमर केयर का नंबर ही मेरे पास नहीं। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। मात्र 5 या 6 मिनट की वीडियो हो गई, इस 5 या 6 मिनट से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। आपके साथ जो भी फ्रॉड होता है, मैं आपको बिल्कुल जो चीज़ें बताऊँगा आप बोलोगे यार ये तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, तो कैसे इस चीज़ से बचना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि जो भाई बंधु परिश्रम करके पैसे कमाते हैं उनके पैसे कहीं ऐसे वेस्ट ना हो। और यह वीडियो आप लोग के डिमांड पर ही है। मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर हीरो फिनकॉर्प से अगर आपका एक ईएमआई बाउंस होता है तो आपको कितना चार्ज देना पड़ता है। उस पर बहुत सारे भाई बंधु कमेंट आए कि भाई यार मुझे कस्टमर केयर का नंबर चाहिए, मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया, वो एजेंट आया था पैसे ले गया, अभी तक कोई जमा ही नहीं हुआ। तो मुझे यार बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ, क्योंकि मुझे पता है यार पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो मैं सोचा नहीं यार, इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो ये वीडियो बस उसी के डिमांड। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार से फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देखो दोस्तों, क्या होता है, हमारे पास एजेंट कब आता है, जब हमारा ACS बाउंस हो जाता है, जब हमारे अकाउंट से पैसे नहीं कटते हैं, जब एजेंट आता है। लेकिन एजेंट बहुत सारे फेक हैं। आज के समय में हमारे इंडिया में बहुत ऐसे फेक फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। अब देखिए होता क्या है, एक मैं इंसिडेंट लेता हूँ, वो मेरे सामने की बात है, मतलब मान लो मेरे साथ ही वो हुआ है। अब होता क्या है, अब बंदे की EMI बाउंस होती है, उसके पास एक मैसेज आता है कि भाई साहब आपकी जो EMI है बाउंस हो गई है, आप इसको जमा करो। फिर सामने बंदा करता है, हाँ सर किसी कारणवश बाउंस हो गई है, बताओ मैं कैसे जमा करूँ। अब थोड़ा बातों को ध्यान सुनना, वो फिर से बोलता है कि ठीक है मैं आपके घर पर आ जाता हूँ, आप मेरे को कैश दे दो। तो बोलता नहीं अभी मैं घर पर नहीं हूँ, आप एक दो दिन बाद आओ। ठीक है, तो एक दो दिन बाद कुछ नहीं होता है। उसके बाद उसका फिर से मैसेज आता है, भाई साहब आपका वो पेमेंट जमा कब होगा। वो बोला ठीक है इस महीने के लास्ट में आ जाना। वो बोला ठीक है इस महीने के लास्ट में मैं आ जाऊँगा। उसके बाद कोई मैसेज वगैरह कोई कॉल वगैरह नहीं आता। अब महीने के लास्ट में उसका फ़ोन आता है, सॉरी मैसेज आता है कि भाई साहब वो पेमेंट अभी तक आपका जमा नहीं हुआ, तो आज हमारी क्लोजिंग है और आप इसको जमा कर दो। तो ये सामने वाला ठीक है भाई, मतलब सब चीज़ व्हाट्सअप पर हो रही है, फ़ोन से हो रहा है, ना अपन मिले ना कुछ हुआ, फ़ोन से ही हो रहा है वो। जब तो मैंने बोला कि ठीक है आप मुझे स्लिप भेज दो, मैं आपको स्लिप भेजते ही पेमेंट मैं कर दूंगा। वो स्लिप बंदा मेरे को भेजा, मैंने उसमें देखा मेरा नाम था, अमाउंट था और सब कुछ चीज़ें था, मतलब एक जेन्युइन लग रहा था। आप देखोगे तो बोले ये नहीं बोले अरे यार तो फेक है, पर वो फेक है गाइस। अभी आपको मैं चीज़ें और बताता हूँ, थोड़ा आपको और क्लियर, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या फिर हो सकता है, तो इससे थोड़ा अवेयरनेस रहे। तो मैंने उसको देखा, मैं बोला यार भाई साहब इस पर आपका तो नाम नहीं है। बोलता नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, तो नाम नहीं आता है। तो बोला यार ऐसे थोड़ी, मतलब इससे मैंने बोला कि आपका नाम नहीं है, थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। तो बोला यार देखो आपको देना है पेमेंट तो दो, नहीं तो मत दो। अब देखो गाइस, वह मुझे स्लिप भी भेज दिया और यह भी बोल रहा है कि आपको देना है, दोनों मैं कैंसिल करा दूंगा। मतलब कि ऐसा कुछ वो नहीं है, वो स्लिप भेज दिया। अगर आप यहीं पर आप उसको स्लिप देकर अगर आप उसको पेमेंट कर देते तो गाइज वहाँ से आपका पैसा डूब जाता है, ये क्लियर कट है। कैसे, थोड़ा मैं आपको और आगे बताता हूँ। फिर मैंने उससे बोला कि भाई ये काम करो, अब तुम हमारे पास ही आ जाओ, मैं आपको कैश दूंगा और आप मेरे से सामने पर्ची दे दो, कोई दिक्कत नहीं। वो बंदा रिप्लाई ही नहीं दिया कि यार मैं कैसे कैश लेने आऊँ। स्टार्टिंग में तो बोल रहा था अपने आप को अच्छे से प्रूफ कराने के लिए कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ, कैश दे दो, कोई दिक्कत। लेकिन जब मैंने बोला कि नहीं भाई अब तुम आ ही जाओ, मैं कैश देता हूँ, तो मुझे पर्ची दो। अब यहाँ पर गाइस आपको मैं बात बताने वाला हूँ, अगर आप कोई पर्ची भी भेजता है तो आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है कि आपके नंबर पर तुरंत मैसेज आएगा कि आपकी जो EMI है वह जमा हो गई है। पहला चीज़ आपको ये देखना है, आप किसी को ऑनलाइन करो चाहे पर्ची अपने सामने लो, आपके नंबर पे मैसेज जरूर आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फेक एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जिससे आपकी फर्जी पर्ची जनरेट हो जाएगी, जिससे आप देखकर यही बोलोगे कि यार ये तो जेन्युइन है, लेकिन वो जेन्युइन नहीं गाइस। आपको जब तक नहीं मानना है जब तक आपके नंबर पर मैसेज आ जाए, या फिर आपके सामने वो कट कर रहा है उसका सब कुछ नाम आ रहा है, कंपनी का नाम आ रहा है, जो एग्जीक्यूटिव है उसका नाम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, जब भी आपको स्लिप लेना है। ये तो होगा पहला केस। दूसरा केस, आपके घर पर कोई आता है पैसे लेने के लिए, तो आप उससे पहला तो नाम पूछो क्या है, फिर उसका ID देखो क्या है। तीसरा पॉइंट, आप मेल ID
जो शायद मेल आईडी नहीं जानते होंगे, जो थोड़ा मतलब नहीं पढ़े लिखे, एक मेल आईडी होता है वो देखो क्या होता है, जो उसका नाम है, जैसे मेरा नाम गौरव है तो मेरा जो मेल आईडी होगा वो मेरे नाम से ही होगा, कि gaurav.ye@ फिर हीरो फिन कॉर्प जो भी होगा एट द रेट ऐसे करके रहेगा। तो आपको तीन चीज़ आइडेंटिफाई करना है, पहला तो उसका नाम, दूसरा उसका मेल आईडी और तीसरा आईडी कार्ड। ये तीन चीज़ आपको देखना ही देखना है जब भी आपको उसको पैसे आपको देने हैं। अब बहुत भाई बंधु लोग का एक क्वेश्चन रहता है, यार हीरो फिन कॉर्प का तो हमारे पास कस्टमर केयर का नंबर ही नहीं है। तो डिस्प्ले पे मैं एक नंबर दे रहा हूँ, यह नंबर हीरो फिन कॉर्प का फ्री टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करो, आपको जो भी क्वेरी है यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी इशू आता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी है, वहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज करो। हो सकता है आपके पास कोई प्रूफ है, स्लिप है कि भाई यार ये स्लिप देखो जेन्युइन है कि क्या है, वो मुझे भेज सकते हो, क्योंकि मुझे पता है यार पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर किसी का नुकसान होता है तो बहुत तकलीफ होता है। तो यही है वो मतलब कि आप कैसे फर्जी एजेंट या फ्रॉड एजेंट को पकड़े, मतलब ओवरऑल कि आपके पास प्रूफ आना चाहिए, मतलब आपके नंबर पर मैसेज आना चाहिए। अगर आपको कोई स्लिप काट कर देता है, कोई पेन से लिख कर देता है, ये आपको नहीं करना है। आपको हर हाल में पैसे तो देने दो हैं ही उसको, है ना, तो आपको ऐसे नहीं करना है यार कि पेन से लिख कर दे दिया तो मैं उसको दे दिया, या फिर ऐसे पर्ची बनाकर दे दिया तो मैं दे दिया। नहीं, आपके पास में रजिस्टर्ड नंबर दिए हुए होते हो, आपके नंबर पर मैसेज आना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जब आपको ऐसे पैसे देने होते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग को बहुत हेल्प मिला होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।